अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाएंगे मटन सीख कबाब। ये कबाब जो है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी सीख कबाब बनाना आज मैं आपको बताऊंगी और बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे जो है मैंने मटन का कीमा लिया है। यह इस रेसिपी को सीख को आप जो है बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी, जिससे जो है विदाउट फेल कोई भी जो है इस सीख कबाब को बना लेंगे। तो चलिए टाइम ना ज़ाय करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके चैनल फूड बुक बाय फरीदा में। तो चलिए टाइम ना ज़ाय करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटन ले लिया है, तो कीमा नहीं किया हुआ है, तो इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे हम इसका कीमा तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास कीमा है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, मेरे पास कीमा नहीं था तो मैंने इसे मिक्सर में डाल के जो है इसे बारीक पीस लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पीस के तैयार हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिया था एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे जो है स्लाइसर से मैंने इसे स्लाइस कर लिया है, जिससे जो है बहुत ही बारीक बारीक स्लाइस निकल के तैयार होती है। तो इसे हाथों से निचोड़ के हमें डालना है गोश्त के अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये कीमा तकरीबन 350 ग्राम होगा, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अब हम इसमें डालते हैं 1 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा और काली मिर्च भुना हुआ था इसका पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है, ज़ीरा पाउडर है तो वो डाल लीजिए, या फिर काली मिर्च पाउडर है तो आप वो डाल लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने डाला है इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के अब इसमें हम डालेंगे नेक्स्ट 1/2 नींबू का रस। तो यहाँ पे नींबू को हम अच्छे से निचोड़ के डाल लेते हैं और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर में एक थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे, खड्डा कर लेंगे और इसमें अब हम रखेंगे यहाँ पे छोटी सी प्याली। अगर आपके पास छोटी सी प्याली नहीं है, कटोरी नहीं है छोटी सी, तो आप फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने कोयले को गरम कर लिया है, इसमें कोयला डालेंगे और ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा तेल या घी, जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं और ढक के तुरंत इसे 5 मिनट हम इसे इसी तरह से रहने देंगे। इस तरह से स्मोकी फ्लेवर देने से बहुत अच्छा टेस्टी कबाब लगता है हमारा। तो यहाँ पर एक बार हम वापस से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो कोयले का फ्लेवर है अच्छे से सारे गोश्त में आ जाए। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद चलिए अब बारी है इसे सीख बनाने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास सीख होगा तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरे पास सीख नहीं है तो यहाँ पे मैं पेंसिल ले रही हूँ, जो बच्चे जिससे लिखते हैं स्कूल में, तो बस उसी पेंसिल को इस तरह से लेना है, थोड़ा सा हाथ में हमें गोश और इस तरह से डाल के हमें दबाते जाना है ऊपर से नीचे की तरफ, तो जिससे जो है हमारा सीख बहुत ही परफेक्टली बनके तैयार होगा। वीडियो में आप देख ही सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके इसे हमें अच्छे से एक लेवल कर देना है ताकि कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे। तो बस इस तरह से आप बना लीजिए। अगर आपके पास सीख है तो आप लंबे लंबे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया है तो जितना हो सकता है उतना मैंने इसे लंबा कर दिया है।
तो बस इसी तरह से एक और एक आपको बना के मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से इसे हमें डालना है पेंसिल के अंदर और इसे दबाते हुए इसे हमें शेप देना है। बहुत ही आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स, कोई मुश्किल की काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छे से चिकना कर लेना है दबाते हुए और हल्के हाथों से। यहाँ पे अभी आप देखिएगा मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। देखिए हल्के हाथों से हमें जो है इसे पेंसिल को घसीट लेना है। ये देखिए, तो बस इस तरह से हम जो है हमारे सारे ही सीक बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ही सीक को रेडी कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पे रखा है तेल गर्म होने। तेल जब हमारा गर्म हो जाए इस तरह से हम हाथ लगा के चेक कर लेंगे, ऊपर अगर धुआं लग रहा है गर्म जैसा लग रहा है यानी कि हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो गर्म तेल में हम एक एक सीक करके डालेंगे जितनी हमारी कढ़ाई में आ रही है। तो डालने के बाद इसे हम 5 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे और गैस की फ्लेम को मैंने अभी स्लो रखा है। स्लो फ्लेम पर हम जो है इसे पकाएँगे। 5 मिनट के बाद इसके साइड टर्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, तो दूसरी साइड भी हम सेम इसी प्रोसेस से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कीमा कच्चा है तो आप इस प्रोसेस में घाई नहीं कीजिएगा, स्लो आंच पे इसे पकने दीजिएगा ताकि गोश्त जो है अच्छे से पके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सारे ही सीख को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो सीख हमारी अच्छे से पक गई है इसे हम अलटते पलटते हुए पहले सबसे पहले सीख को अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो सीख हमारी अच्छे से पक गई है इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए जो सीख पक गई थी इसे मैंने निकाल लिया। अब सेकेंड बैच डाल रही हूँ। इसी तरह से करके हमें सारे ही सीख को फ्राई करके निकाल लेना है। आप यहाँ पे चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने तेल का कम इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये टेस्टी सी सीख बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस बकरीद में एक बार बकरे की गोश्त से ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।